सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के UPI ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं, ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेक माइंड वर्ल्ड। मैंने पहले से ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के UPI ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे दिया है, इस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर बताया है कि आप 3 आसान स्टेप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ बताया है कि आप BPA, IFSC, आधार और QR कोड के द्वारा रुपए पे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ बताया है कि आप अप्रूवल पर तुरंत रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गॉट इट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बताया है कि आपके फ़ोन से बैंक को एक SMS भेजा जाएगा जो कि चार्जेबल होगा। अब यहाँ से बैंक में रजिस्टर्ड सिम कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब SMS भेजा जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल देंगे। अब बैंक नेम पर क्लिक करके बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। यहाँ पर सभी बैंक्स दे रखे हैं। चलिए मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया है। अब BPA क्रिएट करना है। आप अपनी पसंद का कुछ भी BPA रख सकते हैं या फिर नीचे कुछ सजेस्टेड BPA दिए हैं, इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। BPA रखने के बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर email ID डाल देंगे। यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे। इन फ्यूचर अगर आप ऐप का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर बताकर पासवर्ड को रिकवर कर सकेंगे। अब 6 अंकों का ऐप का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर री एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड में भी सेम डिजिट डाल देंगे। अब टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स में टिक करके ओके कर देंगे। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसे ओके कर देंगे। ये देखिए, लॉगिन पेज आ गया है। अब एप्लीकेशन लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद आपसे ट्रांजैक्शन UPI पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपने ऐड किए गए अकाउंट के साथ पहले से UPI पिन सेट कर रखा है तो उसी UPI पिन को यूज कर सकते हैं, और UPI पिन सेट नहीं किया है तो पहले आपको UPI पिन सेट करना होगा। UPI पिन कैसे सेट करते हैं और इसे कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मेरा UPI पिन पहले से सेट है। चलिए अब मैं आपको BPA और बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करना बता देता हूँ। यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको BPA पर रुपए ट्रांसफर करके बता रहा हूँ। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड किए हैं तो यहाँ से वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने हैं। अब यहाँ पे BPA पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे का BPA डालकर सर्च पर क्लिक करना है। ये देखिए, यहाँ पर पे का नाम ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर पे का निकनेम डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर पे के BPA पर एक ही बार रुपए भेजने हैं तो यहाँ यूज वंस पर क्लिक करेंगे, और अगर फ्यूचर में भी रुपए भेजने हैं तो यहाँ सेट एज फेवराइट एंड यूज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रुपए डाल देंगे जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए, रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बैंक अकाउंट में रुपए कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसे ओके कर देंगे। अब फिर से पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से IFSC सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने हैं। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे का नाम डाल देंगे। यहाँ अकाउंट नंबर डाल देंगे। यहाँ पर IFSC कोड डाल देंगे और सेट एज फेवराइट एंड यूज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ रुपए डाल देंगे। यहाँ पर नरेशन डाल देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए, पे के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हो गए हैं।
चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। इसे ओके कर देंगे। यहाँ कलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट में रुपए मंगाने हैं। अब यहाँ पेयर बीपीए पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेयर का बीपीए डाल देंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पेयर का नाम आ गया है। यहाँ पेयर का निकनेम डाल देंगे, यह ऑप्शनल है, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेट एज फेवराइट एंड यूज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ रुपए डाल देंगे जितने रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट एक्सपायरी टाइम सेट कर सकते हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट चली गई है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट बैलेंस कैसे चेक करते हैं। वापस होम पेज पर चलते हैं। यहाँ व्यू बैलेंस पर क्लिक करेंगे। अब यूपीआई पिन डालकर ओके कर देंगे। ये देखिए मेरा अकाउंट बैलेंस शो हो गया है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपीआई पिन कैसे सेट करते हैं। यहाँ मेनू पर क्लिक करेंगे। अब माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यूपीआई पिन सेट पर रीसेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब एटीएम कार्ड नंबर के लास्ट 6 डिजिट डाल देंगे। यहाँ से कार्ड एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से कार्ड एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करना है और इसके बाद ओके कर देंगे। अब मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर 6 डिजिट का यूपीआई पिन रख लेंगे। कंफर्म में भी सेम डिजिट डालकर ओके कर देंगे तो आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसके बाकी के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से वापस मेनू पर चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने अभी जितनी भी ट्रांजेक्शन की हैं वो सब यहाँ पर शो हो रही हैं। जिस भी ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ से बेनिफिशियरी को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके ऐप को डीरजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।